They'll drive me crazy. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी चैलेंज। हिंदी चैलेंज में होने वाला है कि हम लोग आज हमारी भाषा का मिक्सअप नहीं करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा उतना ही करेंगे, ज़्यादा अपने आप को बोझ नहीं देंगे। पर सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है हस्बैंड को इंक्लूड करके, क्योंकि उनसे शुद्ध हिंदी बोली नहीं जाती मेरी तरह। सो शुरुआत होगी ये किचन से। किचन काफ़ी ज़्यादा मैसी है, क्यों अभी तक हमने कुछ भी किचन में किया नहीं है, पर अब हम करने वाले हैं। आज हम कुक करेंगे परांठे। परांठे के लिए हम बनाएंगे मूली के परांठे, क्योंकि बहुत दिन हो गए कि मेरे हस्बैंड ने परांठे नहीं खाए हैं। बहू मूली दे खाना चाहोगे, आलू दे? हस्बैंड कहते हैं कि वो मूली के परांठे खाएंगे। ओ तो हिंदी से नहीं बोल रहा, हिंदी से बोल रहा। ओके, हस्बैंड खाएंगे मूली के परांठे। हस्बैंड थोड़ा बिजी है दोस्तों, उनको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। वो जब खुश हो जाएंगे तब उनको लाया जाएगा। सो या हम प्रेपरेशन शुरू करते हैं। प्रेपरेशन करने से पहले हम लेके आएंगे एक लफाफा, जिसमें हम सारी ही आलतू फालतू चीजें ऐड कर देंगे, जिसमें आती है चाय की पत्ती, अदर रैंडम गार्बेज। क्लीन अप करेंगे थोड़ा सा। कुकिंग करने से पहले थोड़ा क्लीन अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल मेरी कोशिश है कि मैं मेरे चैनल पे एवरी डे कुछ ना कुछ अपलोड करूँ, जिसकी वजह से थोड़ा ध्यान मेरा इधर उधर हो जाता है। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मेरी चीज़ें चकाचक रहें, पर थोड़ा सा चलता है दोस्तों। सो ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे और मेरे बालों को बांध लेंगे। कुक करने से पहले मुझे बालों को बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फिर बाल अड़बड़ा जाए। आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। मूली को ग्रेट करने के लिए मैं इसको यूज करने वाली हूँ, क्योंकि इससे इजी है। पानी निकालने के लिए पत्ती को यूज़ किया जाएगा, पर इसे हम अभी थोड़ी देर छोड़ देंगे, मसाला तैयार करते हैं जब तक ये पानी छोड़ देगी थोड़ा। पर अगर आपको खास मूली के परांठे की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, पर फिर भी कई बार होता है ना, हमें पता नहीं चल रहा कि क्या करें, तो आप कर सकते। ये नॉन पंजाबी दोस्त लोग को यूज़ कर सकते हैं रेसिपी, क्योंकि अदरवाइज को तो पता ही होगा, क्योंकि हर एक के घर में हर हफ्ते बनते हैं परांठे। सो नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि मूली और ज़्यादा पानी छोड़ दे। मिक्स कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ऑलराइट, सो बेसिकली इस परांठे में मैं ऐड करने वाली हूँ ग्रीन चिली, जिंजर एंड धनिया। सो हस्बैंड के परांठे में हम अनियन भी ऐड कर देंगे। मैं अपने परांठे में अनियन नहीं ऐड करूँगी बिल्कुल भी, पर चिल्ली डैडी हिंदी प्लीज। सो चिल्ली को हम दिल खोल के ऐड करेंगे, क्योंकि हमें स्पाइसी अच्छा लगता है और पति की सीसी कराना भी हमें अच्छा लगता है। ऑलराइट दोस्तों, तो अनियन को भी थोड़ा सा पील कर लेते हैं एंड क्या बोलते हैं, चॉप कर लेंगे थोड़ा सा। देन हम परांठा बनाने के लिए रेडी हैं। हमारे पास आटा ऑलरेडी है।
व्लॉग है, सो आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी। Why not? ये है क्यों नहीं? ये है मूलियाँ, इसमें मैंने नमक डाल दिया है ऑलरेडी। और ये जो हमारा व्लॉग है ये एक कुकिंग व्लॉग है। मुझे रेसिपी मत बताओ, मुझे सब कुछ आता है। टेल मी, मुझे ये बताओ मैंने क्या करना है। मुझे जल्दी चाहिए। आप बातचीत करिए। और ये जो व्लॉग है ये किचन व्लॉग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को आपको और मुझे किचन में देखना अच्छा लगता है। सो ये है मूली, इसमें नमक डाला है। पति को इसलिए लाया गया है क्योंकि उनके हाथ बहुत मजबूत है दोस्तों, सो वो इसमें पानी निकाल देंगे। हाथ नहीं, ये हथौड़ा है। या ये हाथ नहीं, ये हथौड़ा है। हथौड़ा नहीं है बहू, ये निचोड़नी है। सो ये निचोड़ेंगे और मैं इनको देखूंगी ये काम करते हुए। प्यारी तेन देख देख के ना मैं रजदी हूँ ना, पर मैं तेन देखते मैं 14 साल हो गया, पर हजे भी तो मैं उन्नी प्यारी लगती है। कैमरे के आगे आके ना नहीं ये मिठू मत बनो, काम करो। अच्छा नमक पाया, डाला है नमक? यस डाला है। आपको देख देख के ना मेरा दिल ही नहीं भरता, आप पे इतना प्यार आता है कि मैं क्या कहूँ, ऐसे लगता है कि आपको मैंने पहली बार देखा है। देखो बुआ टुआ हुआ है। दोस्तों अगर आप बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि मेरी मेरे हस्बैंड के साथ अरेंज मैरिज है या लव, सो हमारी अरेंज मैरिज है, पर हमको देख के लगता नहीं है कि अरेंज है, क्योंकि हमारा प्यार ही इतना ज्यादा हो गया शादी के बाद कि लव जैसा लगना शुरू हो गया। यार कि अभी वो तो लाइफ ही गा, लाइफ से कुछ और, ऐसे कुछ और झूठ बोलना पड़ता है दुनिया को। क्या समझेगा ये, कहाँ पे रखूं गोले गोले प्यार? ये दुनिया को चारना पड़ता है संसार में, कई बार कुछ बोलो कई बार कुछ बोलो। गाइज मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि जब आप झूठ बोलते हैं ना तो आपको कितना स्ट्रेस डालना पड़ता है कि पहला की बोलिया ही हूँ की बोलिया ही, उसको छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं और एंड ऑफ द डे झूठ बाहर निकल ही जाता है ना बाबू। ये मैली होगी है। तो आपने हाथ पहले धोए क्यों नहीं? नहीं हाथ धो के आया हूं। सारी हाथ की मैल हस्बैंड ने मूली पे लगा दी है। पता नहीं फॉर सम रीजन दिखाओ दिखाओ। ये मैली होगी? नहीं मैली नहीं है, ठीक है वही लगन और शैडो पहन ली। सो हस्बैंड इनकी जान निकाल के इनको इनमें से पानी निकाल दे। ऑलराइट दोस्तों, अर्लियर मैं मजाक कर रही थी, हमारी शादी लव मैरिज। यार सेम टॉपिक पे नहीं बात करनी हमने। यार बहुत सारे लोगों को नहीं पता हैगा। आज के बाद नहीं हम बताएंगे। नहीं आज के बाद एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे लव स्टोरी पे कि कैसे मेरे पति मेरे दीवाने हुए और कैसे मेरे पीछे घूमते रहे मजनू बनके। बुड्ढे हो गए हैं, शी यू स्टिल हैंगिंग एट दोस काइंड ऑफ। बुड्ढा बुड्ढे हो गए तू ही, मैं तो बुड्ढी नहीं हूं, मैं तो जवान हूं। मैं कहने लगी डॉग तेरा बाप। ओके मैं तो बुड्ढी नहीं हूँ, ये बुड्ढे हो गए हैं, पर की करिए हूँ मैं तो अभी जवान हूँ। सो यार दोस्तों एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इनको साथ में बिठा के कि कैसे हमारा प्यार शुरू हुआ, कैसे वो सारी चीजें यार ताजा करेंगे। शक्ल में के हासा है ना गाइस, ये लड़के लोग ऐसे क्यों होते हैं कि शादी के पहले मजनू बन के आवारे पता नहीं भवरे घूमते रहते हैं और जब शादी हो जाती है तो फिर बात भी नहीं करना चाहते, ऐसे क्यों होता है दोस्तों? हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उदो तो कहने की तेरे बिना मेरा सरदा ही नहीं है। कौन संस्कृति की गल्ला आ रही है? संस्कृति के खिलाफ क्या है? हमारी संस्कृति के खिलाफ है ये संप्रदाय। संप्रदाय तो फिर प्यारी उन छोड़ देंगी, मेनू एक सुमर से छोड़ देंगी। गाइस कल इनको मैंने बात करते भी देख लिया था कि shaadi.com में अपना बायोडाटा डाल रहे हैं, कह रहे कि हुन मैं अपनी संस्कृति के हिसाब से भी एक शादी कर लूँ। अरेंज मैरिज है ना साड़ी संस्कृति, एक उस तरीके से भी कह रहे मैं कर लूँ फिर संस्कृति को बचाते हुए। हम लोगों को अपनी परंपराओं के हिसाब से चलना चाहिए, अपनी सीमाओं से बाहर नहीं आना चाहिए, सीमाओं के अंदर रह के ही चीजें करनी चाहिए। हमारा तात्पर्य कहने का यही है। तू तो बड़ा महाभारत दे टांग दी इन्हें बोला ना फिर राता श्री हमें युद्ध करना पड़ेगा, ये युद्ध ही इस बात का ये हिंदी भी नहीं आती ना, ये मूली के परांठे ही इस बात का प्रमाण है कि हम भूखे। जब ये जो मूली के परांठे में कचुंबर निकाल रहा हूँ पानी, यही प्रमाण है कि मैं भूखा हूँ। अगर आप भूखे ही हैं तो लोगों के घर भिक्षा मांगने क्यों नहीं चले जाते?
मातृभूमि को छोड़ के कनाडा आने का विचार कैसे अगर अगर तुम खाना दहो नहीं तो हम प्रलान वापस कर जाएंगे। अगर हम इस हमें ऐसे ही भूखे रहना पड़ा कि जिंदगी ऐसे नहीं कट सकती, हम सोचे बगैर अपने मुंह में से एक वचन भी नहीं निकालते। देवी गाइस, मेरे जो नाना है ना वो मुझे देवी ही बोलते हैं। वो कहते हैं देवी जी, देवी जी। और गल सुनियो देवी जी, सो मेरे पति ने भी आज मुझे देवी बोल दिया है, मान गया है वो कि मैं देवी हूँ। ओके, सो हस्बैंड ने इसमें से नमक निकाल दिया है, मैंने टेस्ट किया है, नमक अभी भी है इसमें। सो अलग से नमक ऐड नहीं करूंगी मैं, सारी चीजों को ऐड करके परांठा बनाया जाएगा। बहुत ज्यादा भूख लग गई है दोस्तों, 1 बज रहे हैं ऑलरेडी। सो यस, इसी में मैं सारी चीजें ऐड कर देती हूँ। हिम्मत के लिए थोड़ा सा निकाल लेते हैं क्योंकि उसे नमक वाला ही चाहिए, पर वो मूली के परांठे खा लेता है, उसको परांठे काफी अच्छे लगते हैं। सो इसमें मैं ऐड करूंगी चिलीज, मुझे लगता है चिलीज भी सारी नहीं जाएंगी क्योंकि मूली इतनी ज्यादा नहीं है। सो कल रात को हमने फिश खाई थी तो उसके साथ उन्होंने मूलियाँ नहीं दी, तो एक मूली हमने कल खा ली, अदरवाइज परांठे के लिए ना होती। तो इसमें मैंने ग्रीन धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मेरे लिए है अजवाइन, क्योंकि वो मूली के परांठे में बहुत अच्छा टेस्ट करती है और वो हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। सो यस, ये बनाया जाएगा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ी सी रेड मिर्ची, ना के बराबर क्योंकि ग्रीन ज़्यादा है। सो जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर इसमें से खत्म हो चुका है, एंड अजवाइन ऐड कर रही हूँ। सो गैस पे तवा मैंने ऑलरेडी रख दिया है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम लोग। हिम्मत की भी लंच ब्रेक हो चुकी है, अब उसे भी गर्मा गर्म परांठे मिल जाएंगे लंच में। सो तवा मैंने ऑलरेडी रख दिया है, अब परांठे बनाने की तैयारी की जाती है। सबसे पहले मैं हिम्मत के लिए बना दूंगी क्योंकि उसका परांठा सिंपल एंड पिद्दा होने वाला है, सो वो खा लेगा सबसे पहले। She said she the one, I bet she thinks she is. Stand on high, no trust, I don't know where you been. I need a break, on breaks. I'm on a wave, like Lake Michigan, cold. She the one, bet she thinks she is. Stand on high, no trust, I don't know where you been. I need a break, on breaks. I'm on a wave, like Lake Michigan. Shorties out here playing. सो हिम्मत का परांठा रेडी है, उसमें मैंने फ्रेश मक्खन डाल दूंगी, थोड़ा सा मैंने नन्ना सा फ्रेश मक्खन बना लिया मैंने। ओके, हिम्मत का परांठा रेडी। सो अब बारी आती है पति परमेश्वर की परांठी की। Taking no pay cuts, I need my right hand. Should be a light up, covered in fake love. अब मैं आपको disturb नहीं करना चाहती, थोड़े reviews देना भी जरूरी है। I'm sorry. Okay, please दें। बहुत अच्छा है। पूरे रिव्यू हम अपने भोजन शकने के बाद आपको बताएंगे, या भोजन ग्रहण के बाद। अब मुझे ग्रहण मत लगाओ। और दोस्तों, सब मेरे परांठा खाने की बारी आ गई है। मैंने बटर ले लिया है थोड़ा, एंड हिम्मत ने भी अपना परांठा फिनिश कर लिया है, एंड उसका दही मैं यूज़ कर लूँगी। हम लोग अपने बच्चों का बचा हुआ खाना खा लेते हैं। नहीं, सो मम्मी के परांठे बिल्कुल सिंपल है। हस्बैंड के परांठे में मैंने पनीर भी ऐड कर लिया। परांठा अच्छा बना, spicy. Chatting in a coffee shop, sitting by the windowsill, walking down 8th Avenue with you. Our fingers touching the light, your pullback blush and delight. Call me when you get back home. So husband का पेट भर दिया मैंने, अब मैं अपना भर रही हूँ। जब मेरे पति का पेट भरता है
तो वो खुश हो जाते हैं। जब उनका पेट खाली होता है तो वो बहुत खतरनाक इंसान बन जाते हैं। नॉर्मली हर एक ना ही ऐसा होता है। मेरे पति तो शेर होता है ना सबसे ज्यादा, मेरे पति तो बन जाते हैं राक्षस महिषासुर। जो भूखा शेर होता है ना वो सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक होता है। या मेरे हस्बैंड से भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो रोज तू मुझे भूखा शेर बनाती है। ये मेरे से लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, और जिधर रोटी खाई उधर कहने आ यू सो क्यूट। ओके गाइस सीरियस ना लो, मेरे हस्बैंड मेरे से लड़ाई नहीं करते हैं। वो बहुत ज्यादा पेशेंस वाले हैं। उनको कई बार मैं बहुत चिढ़ानी रहनी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ उन्होंने पिट सुन दिया। दोस्तों ऐसा कहते नहीं ना बुढ़िया, ऐ में झूठ बोलना पिट सुन दिया, सच्ची पिट सुन दिया। नहीं हस्बैंड के पेशेंस तो है, कई बार तो ना उन्होंने किन्ना भी खिंचाते रहो खिंचाते रहो खिंचाते रहो, लगेगा पेशेंस खत्म होने लगे, लड़ाई करेंगे नहीं करते। और कई बार गल जीरो होंगी है एवं लड़ना पड़े। सो कहने का मतलब पति को पता पुता नहीं चलता कहे वेले लड़ना कहे वेले नहीं। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जब आप खाना खाते हैं तो वीडियो बनाएगा क्योंकि आपको खाते देख के हमें अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं इसमें क्या अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ और मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। या लेट मी फिनिश, ऑलमोस्ट डन एक्चुअली। हेलो दोस्तों, तो मैं वापस आ चुकी हूँ अगेन से, और बाहर अंधेरा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अंधेरा इस वजह से हो गया कि दो चीज़ें हुई हैं। परांठे खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जो बहुत ज़्यादा यूजुअली होता है हमारे साथ कि हम खाने के बाद थक जाते हैं, और मैं आराम करने के लिए चली गई थी अपस्टेयर्स। आराम करने के बाद मैं डाउनस्टेयर आई अराउंड 4:30। उसके बाद मैंने चाय बनाई और मैंने लाइव किया टिकटॉक पे, जिस पे हमने बहुत 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 सारी बातें की जो बातें हमने हमारे यूट्यूब पे कभी भी नहीं की। अराउंड 2000 लोगों ने देखा हमारा लाइव, उसमें हमने हमारी लव स्टोरी बताई जो मैंने यूट्यूब पे कभी नहीं बताई है एक्सक्लूसिवली। उसके चलते लाइव में हमने इतना ज्यादा समय स्पेंड कर दिया कि रात पै गई है। दोस्तों लव स्टोरी बताई, बहुत सारी रैंडम बातें बताई, हस्बैंड ने बहुत सारी बातें की, जो भी आप हमें क्वेश्चन पूछते रहते हैं वो सारे के आंसर किए हस्बैंड ने वहां पे। अगर आपने मुझे मेरे टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज करें, क्योंकि हम लोग ऑफनली वहां पे लाइव आया करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और लाइव आप लोगों से बातचीत करके इतना अच्छा लगता है और आपके ज्यादा विचार ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं हमें। सो या यही किया है हमने। ऑलराइट दोस्तों, तो लाइव में बहुत सारे दोस्तों ने कंप्लेंट की कि भैया वीडियो में आपको इग्नोर करते हैं। वीडियो में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? मैं नहीं इग्नोर करता। आई डोंट इग्नोर यू। ऑलराइट दोस्तों, हस्बैंड इग्नोर नहीं करते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी है, वो ऐसे ही है। ऐसे थोड़ा अकड़ के रहता हूं मैं, अकड़ के दिल को मत लगाए, वो बेचारे करना कुछ और जाते हैं और लाइक उनकी साइन लैंग्वेजेस से लगता कुछ और है। और किसी का मैंने कमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं आपको 3-4 months से देख रही हूँ और मैंने पिछले कुछ व्लॉग्स में नोटिस किया है कि आप भैया पे अपने आप को फोर्स करते रहती हैं और उनको इधर उधर खींचते रहती हैं। ये तो सही जाना और उनको बहुत ज्यादा हग्गी पुची करती हैं और ये आप क्यों करती हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि आपने मुझे सिर्फ 3-4 महीने से देखना शुरू किया है, तब मुझे लगता है मेरी सेहत बहुत अच्छी नहीं थी। अगर आप मुझे मेरे 2-4 साल पहले वाले व्लॉग में देखेंगे तो मैं ऐसे ही थी। सो पति को हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ मुझे अच्छा लगता है यार, मैं ऐसी ही हूँ और मैं बल्कि बैक टू नॉर्मल, बैक टू ट्रैक आ रही हूँ पति को कचोला करने में। ओके दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। ओके सो मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत ज्यादा अच्छी हिंदी बोली होगी। हस्बैंड की हिंदी के जज आप हैं, आप बताना कि आपको कैसी लगी। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, कुछ बोलिए। आप तो हिंदी के चक्कर में मुंह पे ताला लगा के बैठ गए हैं। बोलिए, नहीं बोलूंगा हम। बोले हम कौन से बिहारी एक्सेंट बोल रहे थे? हम एक गजल पेश करते हैं आपको। करिए। तो सीरियसली नहीं करनी। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इस लड़की को इसके सोशल मीडिया पे फॉलो करें। गाइस अगर आपके पति आपको लड़की बोलते हैं तो आपको और क्या चाहिए इस दुनिया में? दैट्स इट। हम मिलेंगे आपको कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग इन दिस लाइफ, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन। बस यही तरीका। बाय, आई लव यू।